हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है नाना और जी। बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। एक टाइम था जब बोला जाता था हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, हाँ लेकिन आज कश्मीरियों ने आवाज उठा दी और कह रहे हैं कश्मीर और बलूचिस्तान बनेगा हिंदुस्तान, और रैली निकाल रहे हैं उसकी, अच्छा, और उसको देखकर पूरे पाकिस्तान में भौचाल आ गया ये है। क्या बोल रहे हो? बाबा मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे तभी भाई इसके हाँ बारे में हम कुछ कह पाएंगे। तो जल्दी से पहले वीडियो देख आज लेते हैं। करते हैं। बिल्कुल, तो कड़ंग करते हैं स्टार्ट। ये हमारी मांग है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जल्द से जल्द आजाद करवाया जाए, और हमारा ये कहना है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। हाथ खड़े करके, पीओके गिलगित बल्टिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। बहुत से कश्मीरी दोस्त हैं, उनसे अक्सर इन मामलों पे बात होती है। कश्मीरी मुजाहिदीन से भी मेरा इंटरेक्शन रहा है किसी दौर में, तो वो मुझसे ये कहते थे कि जिस दिन भी हमें आज़ादी मिली पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसा ही होगा। देखें, वो अखंड कश्मीर चाहते हैं, उनको एक अखंड कश्मीर दे दिया जाए। भूखे मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान भी ठीक चल रहा है, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, फिर आईएमएफ से लोन क्यों ले रहे हैं? आदत है, हम गरीब बन के छुटना है हर मुल्क तो। ये तो पी चल रही है, हमने गरीब बन के छूटना है हर मुल्क से, अपने कर्जे माफ करवाने, ये हमारी चाल है इनके मुताबिक। आप क्या कहेंगे? ऐसी बेवकूफ कोई माफी लेनी है हर मुल्क तो क्यों ना लेंगे? फोन करके ये सारी दुनिया जान गई है, हमें भी पता चल जाना चाहिए, आंखें खुल जानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कराची को आजाद बनाया जाए, हमें आजादी चाहिए। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों घुटन है? सारा कुछ उठे ले जाके उन्होंने तबाह कर दिया। किसका तबाह करेंगे? अपने कश्मीरियों का। क्या है आपके पास? अपनी ताकत भी है, मिसाइल ठोका दे डल करके, पीछे नहीं हटेंगे। Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you're watching my YouTube channel. Viewers, इस वक्त आपको मेरे background से अंदाजा हो ही गया होगा कि इस वक्त मैं market में मौजूद हूँ। एक बहुत लंबे अरसे के बाद public की opinion लेने market में मैं आई हूँ। और अगर बात की जाए कि आज का topic क्या है, आज का मौजूद क्या है जिस पर public opinion मैं लेने वाली हूँ, तो वो basically एक video है जो कि भारत के कश्मीर, जम्मू कश्मीर से सामने आई है। भारत के कश्मीरियों ने नारे लगाए हैं तो, और बलोचिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे, ये स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पर। वीडियो आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हैं, और पाकिस्तानी आवाम को भी मैं दिखाने वाली हूँ, और देखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम इस वीडियो पर क्या रिएक्ट करते हैं, या भारत के कश्मीरियों को क्या कहते हैं जवाबन, क्या कहते हैं, या भारत के लिए क्या पैगाम पहुँचाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो बढ़ते हैं पाकिस्तानी आवाम की जानिब, जानते हैं उनके रिव्यूज। तब तक के लिए मेरे साथ रहे। हम नहीं बने रहेंगे, भावे बुढ़े हैं, हम तो सारा कुछ उठे ले जाके उन्होंने तबाह कर दिया। ये किसका तबाह करेंगे? अपने कश्मीरियों का नहीं, इंडिया का। वहाँ के कश्मीरियों को सब कुछ तबाह कर देंगे? नहीं, इंडिया का। लेकिन वहाँ के कश्मीरी बोल रहे हैं ये सब, मुसलमान का देने, ये मुसलमान का साहस ही नहीं है। अच्छा, हम तो करेंगे, वो ना करें तो ना, उसकी मर्जी। हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आप बना रहे सब, मुसलमान है। हाँ, आपको यहाँ सब कुछ मिल रहा है? हाँ जी। आपके आपके घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपको गवर्नमेंट क्या रिलीफ दे रही है? सब कुछ देते है, सब कुछ देते हैं। गाड़ी दीती है हमारी। कौन सी गाड़ी दी है आपको? देखो, ये आपको हुकूमत दी है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ मार के क्या लेना है? कोई प्रूफ आपके पास? नहीं, प्रूफ नहीं होता है मुझे। आपको किस हुकूमत ने ये गाड़ी दी है? ये मेरे दोस्त से, उसने दी है। तो वो आपको रेफरेंस से मिली है ना? एक आम आदमी को तो नहीं ना मिल सकती? नहीं, नहीं मिल सकती ना। आम आदमी को किधर मिलती? मुझे ये बताएंगे जो भारत के कश्मीरी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के कश्मीर को और बलोचिस्तान को हासिल करना है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसे नहीं होने देना। क्या करेंगे आप? हम लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों करेंगे? सारा कुछ क्यों करेंगे? आपके पास जंग के लिए वसाइल है? सब कुछ अल्लाह दे दिया। क्या है? एटमी ताकत भी है, मिसाइल ठोका दे डल करके, पीछे नहीं हटेंगे। क्या हो गया सर? ये बोल रहे हैं कि हम भारत पर मिसाइल ठोकेंगे, जंग लड़ेंगे हम। वहाँ के कश्मीरियों ने एक रैली निकाली है जिसमें बोला है कि बलूचिस्तान को और आजाद कश्मीर को हम भारत का हिस्सा बनाएंगे। क्या कहेंगे? नहीं बनेंगे।
नहीं बने रहेंगे, मर जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान भी ठीक चल रहा है, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। वो तो लगा हुआ है ना, अगर पाकिस्तान ठीक चल रहा है फिर IMF के मिंदे तरले क्यों कर रहे हैं हमें? आदत है, हम गरीब बन के छुटना है हर मुल्क से, हमारी आदत है। क्यों जी? हमने गरीब बन के छूटना है हर मुल्क से, अपने कर्जे माफ करवाने, ये हमारी चाल है इनके मुताबिक। आप क्या कहेंगे? आप कोई माफी लेनी हर मुल्क तो क्यों ना लेंगे मुझे आप बताएंगे? अगर हम अपने आजाद कश्मीर की बात करते हैं, हमने इतने सालों में आजाद कश्मीर के लिए क्या किया? थोड़ा किया तो कुछ नहीं, लेकिन हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को साथ देना चाहिए। ऐसे तो फिर पूरी दुनिया के मुस्लिम मालिक जितने उन सबको पाकिस्तान आ जाना चाहिए फिर। बताना तो चाहिए। सही देगा। पाकिस्तान अगर मुसलमानों के लिए इतना अच्छा है तो फिर यहाँ से 12 लाख पाकिस्तानी मुस्लिम छोड़ कर क्यों गए पाकिस्तान? वो शुरू तो उधर रह रहे ने ना, उन्होंने उधर नहीं रह रहे, पाकिस्तान का अपना नौजवान, अपने नौजवान उन्होंने मर्जी, फिर हम तो नहीं जाएंगे। साढ़े तो इधर कबर भी इधर ही बन दिया, वडेरिया दिया बनिया ने, साड़िया भी इतना ही बन दिया। मुझे ये बताएं हमने अपने कश्मीर को दिया क्या है अपना जो हमारे पास आजादी? बात सुनो हमारी, मेरे बेटे बात सुनो, ये कश्मीर तो जो भी जंग हुई कश्मीर तो ही हुई, ये जेड़े ने कश्मीर के लोग ना आर के ना पार के ने, किसी के साथ लग जाने वो बंदे बन जाने। ये पाकिस्तान कहता है ना हमारे साथ चले, कोई उसका बाल नहीं बिंगा करेगा अल्लाह दे। पाकिस्तान का बाल कोई उखाड़ नहीं। चलो सर बहुत शुक्रिया आपका, ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे कश्मीर का क्या हाल है, तो बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान को जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनाए, पाकिस्तान को पाकिस्तान से बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई है। जिमी गुरांग ने सही कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे बॉर्डर्स के ऊपर पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, इंडियन कश्मीरी करते रहे जो भी कहते हैं उससे क्या होता है, हम तो 75 साल से सुन रहे हैं यही कुछ हो रहा है। नहीं, इंडियन कश्मीरी करते रहे हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये वही कश्मीरी हैं जिनके लिए हम नारे लगाते हैं कि हमने उन कश्मीरियों को हासिल करना है, पाकिस्तान का हिस्सा बनाना। वो आपकी सोच ही गलत है, आपकी सोच भी गलत है और आपकी जहानत भी इस मामले में कुंद है। अच्छा। बल्कि दोनों साइड की जो फोर्सेज हैं वो इस चीज को कैश कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा। ये इशू है ही नहीं है, इशू ये है आजादी के लिए बात करते हैं तो आजादी तो यही है ना कि जो जिस तरह चाहता है जीना चाहता है, जिसके साथ रहना चाहता है उसको दिया जाए वो हक, ना वहाँ हक देते हैं ना यहाँ पे हक दे रहे हैं। आप हक में क्या क्या चीज लाते हैं? देखें जो जिस तरह जिसका जिसके साथ रहने को दिल चाहता है, जो लाइफस्टाइल वो चाहता है उसको वही देना चाहिए। मुझे ये बताया, मैं भी रिसेंटली कश्मीर से होकर आई हूँ, हमारे कश्मीर और वहाँ के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। जो चीज यहाँ के कश्मीरियों को 3,000 की मिल रही है वहाँ उनको 100 रुपए की मिल रही है सामने कश्मीरियों को। पाकिस्तान में आप चाहते हैं शामिल हो जाए? नहीं, ताकि उनकी जिंदगी भी हमारी तरह जहन्नम बन जाए। अब आप देखें ना उनका, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जो उनका लाइफस्टाइल है उनको जीने दें, आप अपने साथ उनको भी रुसवा करना चाह रहे हैं। 75 साल में आप कहाँ पहुँचे और वो कहाँ पे है? यहाँ अगर बाइक हम लेते हैं तो 1.5 लाख की मिलती है, वहाँ मेरा ख्याल है 27,000 की मिल जाती है। तो उनको उनकी जिंदगी जीने दें, आप अपने जो है ना जिस तरह हम आपको पे कर रहे हैं बस करने दें हमें। आपको वहाँ के डेवलपमेंट का अंदाजा है तो क्या बोलते हैं सर आपके 75 सालों में जो नारा लगाया गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान 5 फरवरी को? ये सब ये सारी दुनिया जान गई है, हमें भी पता चल जाना चाहिए, आंखें खुल जानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो इंडिया को उससे दिलचस्पी है, ना हमें इस कश्मीर से दिलचस्पी है। वो अखंड कश्मीर चाहते हैं, उनको एक कश्मीर दे दिया जाए। आप कौन होते हैं उसके पर तसल्लत करने वाले? मेरा तो सवाल यही है। एक कश्मीरी, मेरे भी बहुत से कश्मीरी दोस्त हैं, उनसे अक्सर इन मामलों पे बात होती है, कश्मीरी मुजाहिदीन से भी मेरा इंटरेक्शन रहा है। तो वो मुझसे ये कहते थे कि जिस दिन भी हमें आज़ादी मिली पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। सीधी सीधी भाई बोला है कि भाई कश्मीरी कहते हैं हमें पानी चाहिए पाकिस्तान, अगर हम अलग हुए तो हम तो पहले पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। जम्मू कश्मीर ये वही पाकिस्तान है जो मतलब 75 साल आज हमारे हो गए, हम कश्मीर 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 कश्मीरी कहते हैं जा भूतरी को, तो मैं अलग तो हम बताते हैं तुम्हारा पानी बंद करेंगे, पानी बंद कर देंगे। ये देख
ये देख उधर के जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने बलूचिस्तान के लिए खुसूसी रैली निकाली और कह रहे हैं जम्मू का अपना कश्मीर आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। इतना बड़ा नारा ये कभी बोलते थे ना पाकिस्तानी कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, इन्होंने लगाया था ना, अब हिंद बनेगा पाकिस्तान इन्होंने नारा लगाया था ना। आज वहां का कश्मीरी खुद रोड पर आके ये नारा लगा रहा है कि भाई साहब अब आजाद कश्मीर और भाई बलूचिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। ये देख लला वहाँ का कश्मीरी ये बात बोल रहा, हमने जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो इंडिया का नारा लगा रहा है। वही ना भाई साहब, अब आप खुद अंदाजा लगा लो क्या अंदर चल रहा है। ये तो सामने वीडियो के अंदर निकल कर आ रहा है ना, कोई सामने बोल रहा है तो ना कुछ वीडियो देखी है यार। तो उधर कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी रैली निकाली, उन्होंने तो रैली निकाली और वही तो कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। इतना बड़ा नारा गूंज उठा है यार, इतना बड़ा नारा। और वो कहती है ना, एक बंदा कहता है हमारे पास एटम बम है, हम मर जाएंगे लेकिन हम ये नहीं होने देंगे हम वो। अबे तुम लोग मरने को मर जाते तो तुमने अपना बांग्लादेश क्यों अलग होने दिया। इधर एंकर मैं होता ना तो मैं से ये सवाल कर, बिल्कुल ये देख मैं कहता कि अगर हमारे अंदर इतनी जज्बे है, इतना ही हमारे अंदर क्षमता है, इतने अंदर हमारे पावर है, तो हमसे 1971 में बांग्लादेश क्यों अलग हुआ। बिल्कुल आधा पाकिस्तान जितना हिस्सा था, बिल्कुल वो अलहदा हो गया, वो अलहदा हो गया, आधा पाकिस्तान समझो वो था, वो हमसे अलग हो गया। किधर है हमारे जज्बे, हमारे जज्बे होते तो भाई रिकॉर्ड बन जाते 1971 में। बिल्कुल सही बोला भैया, ये ब्लैक हिस्ट्री हमारी, ये रियलिटी है, सबको पता है। लेकिन अब क्या करें भाई, जो हार अब हुई है वो चाचा ने बोला है कि वो बोलती है कि वो उधर के लोगों की चीजें ऐसे मिलती है, इधर वो आना चाहेंगे। चाचा बोलता है कि इधर आके उन्होंने मरना है। वो देखो दूसरे वाले, दूसरे वाले पहले वाले तो भाई बेकार है वो तो। यार जम्मू कश्मीर में हमारे में जमीन आसमान का फर्क है भैया, तो उधर और चीजें, इधर और चीजें, उधर हवा, इधर कौन आना चाहता है। यहाँ के कश्मीरी बोल रहे हैं उधर जाना, उधर जाना, ये वीडियोस भी बोल रहे हैं भाई साहब सामने सामने। मोदी जी ने वो हालात पैदा कर दिए जो और शहरों को दिए उन्होंने, वही ना सारी जन्नत बना दिया, वही ना कश्मीर को स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी बना दी। हमने क्या बनाया, हमने तो पापा जी उसको वो 80s में ले गए, ना रोड है, ना ट्रेनें है, ना एयरपोर्ट, आई थिंक एयरपोर्ट शायद वो छोटा मोटा उसका, मेट्रो दे दी है, वंदे मातरम, हाँ वो ट्रेन, वो ट्रेन आ गई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन गया है, और शॉपिंग मॉल बन गई, ये इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अरबों डॉलर की, सब कुछ लाखों नौकरियां निकल रही हैं। वही ना और यहाँ के ये लोग कहते हैं मर जाएंगे लेकिन हम ये लड़ेंगे, हम भारत में हमला करेंगे, भारत में मिसाइल मारेंगे। इनको बड़े प्रोजेक्ट शुरू करो जैसे इंडिया कर रहा है। पापा जी जे मैं आपके 10 रुपए ना, बस वजह आप बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट शुरू करो ना, तो भी बनता ही ना, या प्रोजेक्ट बड़े बड़े दो वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है इधर बिठा दम कर।